हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू एपिसोड। आज हम पेन स्केच बनाएंगे। पहली बात, मुझे पेन स्केच में इतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड पेन स्केच मैंने बहुत कम बनाया है। आज हमारा मंजिल ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ दी डिटेल्स हम अचीव कर सके पेन स्केच के अंदर। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि आज एक बहुत मज़ेदार फैक्ट जो हमारे साथ हकीकत में हुआ है पेंटिंग के दौरान, वो आपको पता चलेगा। चाहे वो पेंटिंग हो या स्केच, आउटलाइन एक ऐसा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें अगर थोड़ी सी भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। सो हमेशा से याद से फर्स्ट प्रायोरिटी आउटलाइन को देना। हाँ हाँ हाँ, मेरा टेक्निक आप यूज कर सकते हो, आई बटन पर लिंक है। या दिस इज द फर्स्ट डे गाइस, पहला दिन जब मैंने ये पेंटिंग शुरू किया है। मेरा गलती हो गया है क्योंकि एक तो बहुत दिन बाद में कर रहा हूँ और ये जो पेपर है ना, ये बहुत ज़्यादा रफ है, तो या इस वजह से मुझे एक दूसरा आउटलाइन बनाना पड़ा। एंड डेफिनेटली पता है मुझे इस बार अच्छे से होगा, ये स्मूथ पेपर पे बना है। एंड लेट्स डू इट। एक दिन में मेरा कुछ इतना ही स्केच बना था क्योंकि आउटलाइन मैंने एक नहीं दो बार बनाया था। सेकेंड डे सुबह पेंटिंग चालू किया। काश ऐसा होता क्योंकि पेंटिंग करते करते सुबह हो गया था। सेट, गुड नाइट, बाय। आज दो दिन हुआ इस पे मैं काम कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि नहीं, जैसे मैंने ये पेन स्केच शुरू किया था तब मेरा शेडिंग इतना प्रॉपर नहीं था, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूव आए क्योंकि अब हेयर वाला पोर्शन देखो, नीचे वाला जहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ वो वाला देखो, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है एक पेंटिंग के अंदर, जो इस पे साफ साफ दिख रहा है। एंड मैं बता रहा हूँ तुमको कि टाइम भी दुगने लगने लगे, एंड ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, कॉमेंट करके बताना अगर आपके साथ भी होता है। ये था डे टू। अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, रात के 3 बज रहे हैं एंड कुछ इतना सा हुआ है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे डे 3 में। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हाँ, ये डे 3 है, मतलब 3 दिन लगे इसे बनाने में। या इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी है, दैट्स वाई टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड एक टिप्स देता हूँ कि जैसे डार्क एरिया है, कई लोग मैंने देखा है ऐसे कि डार्क जगह पे एकदम डार्क सेट करने लग जाते हैं, बट वो टेक्निक बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे मेरा वाला देख सकते हो, लेयर बाय लेयर में सेट कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है देखने में। एंड अगर आप डार्क ऐसे एक डायरेक्ट करोगे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे करने से आपका टाइम बहुत लेता है, बट एंड रिजल्ट जो आता है ना,
वो बहुत हद तक स्मूथ आता है एंड उसे देखी तो मजा है ना दोस्तों। एंड हाँ, आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो करना 530K करा दो, उसमें जाके अपना पेंटिंग भी शेयर करो। अब मैं भी देखना चाहता हूँ आपका पेंटिंग। जैसे ही लाइट का कलर चेंज होगा उसके साथ साथ पेंटिंग भी बदल जाएगा, लाइक ए मैजिक।